नमस्कार, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आपका सॉल्यूशन पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कह रहा है देखें कि क्वेश्चन है आपका, फिगर शो ट्रे ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ द थ्री चार्जेस, विच पार्टिकल हैज द हाइएस्ट चार्ज टू द मास रेशियो। यानी आपका फिगर देख लें और फिगर में क्या कह रहा है देखिए कि आपके पास थ्री चार्ज पार्टिकल है, एक आपका इस पाथ से फॉलो कर रहा है, एक इस पाथ को फॉलो कर रहा है और एक इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ये वाई एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये आपका नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से पहले साइन देखें कि ये फर्स्ट और सेकेंड पार्टिकल जो होते हैं पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट हो रही हैं और ये थर्ड पार्टिकल है वो नेगेटिव प्लेट की ओर डेविएट हो रही है। मीन्स विच मीन्स ये हुआ कि ये फर्स्ट और सेकेंड आपके नेगेटिव चार्ज हैं और थर्ड जो होता है जो पार्टिकल फर्स्ट और सेकेंड है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और थर्ड आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए ये नेगेटिव प्लेट की ओर डेविएट हुआ और ये दोनों आपके पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट हुए हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और आपका पूरा, विच पार्टिकल हैज़ द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, यानी ई बाई एम किसका अधिक है। तो देखिए जिसका डेविएशन अधिक होता है, डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाई ई बाई एम, तो इसमें डेविएशन आपका सबसे अधिक थर्ड पार्टिकल का हो रहा है, यानी इस पार्टिकल का ई बाई एम सबसे अधिक होगा क्योंकि इनका डेविएशन कम है और इसका डेविएशन आपका अधिक है। तो हम इस सॉल्यूशन में इसको इस तरह से कर सकते हैं, देखें कि आपका फर्स्ट एंड सेकंड नेगेटिव इन नेचर, फर्स्ट और सेकंड जो होंगे वो नेगेटिव नेचर के होंगे और थर्ड पार्टिकल होगा पॉजिटिव नेचर का होगा, क्योंकि बिकॉज इट डेविएट अलॉन्ग नेगेटिव प्लेट, डेविएट हो रहा है नेगेटिव प्लेट की ओर और ये आपके फर्स्ट और सेकेंड डेविएट हो रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की ओर, तो ये नेगेटिव नेचर के होंगे, ये आपके पॉजिटिव नेचर के होंगे। अब आपके पास इसका थर्ड जो क्वेश्चन है वो देख लें, तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाई एम, डिफ्लेक्शन ऑफ थर्ड पार्टिकल इज मोर इन कंपेरिजन टू वन एंड थर्ड सेकंड पार्टिकल, सो ई बाई एम ऑफ थर्ड पार्टिकल इज आल्सो मोर, तो ई बाई एम होगा जो थर्ड पार्टिकल का वो ज़्यादा होगा, तो इस डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई बाई एम का, तो थर्ड पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो उसका रेशियो ई बाई एम ज़्यादा होगा। थैंक यू स्टूडेंट।